हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ खुले बालों के लिए ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो कैसे बनाना है सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, तो आप जाके वहाँ से इजिली मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देख सकते हो। सेकंड चैनल प्रीति तिवारी 2 है, जहाँ पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए और मेरी ब्लॉग वीडियोस का आनंद उठाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आईडी PreetiY24 है। तो खुले बालों के लिए जो हेयर स्टाइल बना रही हूँ वो आप ट्राई कर सकते हो, छोटे बाल हैं तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉम कर लेना है, बालों को यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सागर चोटी। इस तरीके से गूंथ लिया है, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेंगे साइड से और इस तरीके से इस पर ऐड करते जाएंगे। फ्रेंच चोटी में क्या होता है, हम लोग बिल्कुल ऐसे लेके जाते हैं और बनाते हैं, और सागर चोटी में क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके ऐड करना होता है। इस तरीके से दोनों साइड से थोड़े थोड़े से लेयर्स लेंगे और ऐड करते जाएंगे। क्राउन एरिया तक ऐसे ही बनाएंगे। आप चाहो तो लेयर्स भी निकाल सकते हो, बट मैं नहीं निकाल रही हूँ यहाँ पे। कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो ये हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल रहता है और अच्छा भी लगता है। लिंक पे क्लिक करके जरूर जाइएगा, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर। आप चाहो तो पूरा भी गूंथ सकते हो, बट मैं यहाँ पे खुले बालों के लिए बता रही हूँ तो मैं आधा ही गूंथूंगी, और अगर छोटे बाल हैं तो आपको आधा ही गूंथना पड़ेगा कि छोटे बाल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे आपके। इतना गूंथने के बाद फिर बैक साइड से इस तरीके से बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेके इस तरीके से चोटी बनाएंगे। सिंपली गूंथ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से गूंथने के बाद से आपको पतला वाला रबर बैंड लेना है और यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो और चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा इसको खींच के यूज कर लोगे, जिससे कि थोड़ी सी चोटी जो है उसमें वॉल्यूम दिखे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल खुले वालों के लिए एंड छोटे वालों के लिए। तो शॉर्ट्स हेयर में ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया जिसके छोटे माथे होते हैं, बहुत कम एरिया होता है ये चीज़ का, तो उन पे ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा, तो वो लोग को ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको करना है साइड पार्टीशन। यहाँ से एक लेयर उठाएंगे, थोड़ा सा लंबा ले लीजिएगा और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और आपस में
ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद से इस वाले लेयर को एंड ऊपर से एक सेक्शन लेंगे इस लेयर के अंदर से, इसको इस तरीके से कर देंगे और फिर इन दोनों को आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। अगेन ऊपर से एक लेयर लेंगे और फिर से इसके अंदर लेंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे। सॉरी, फिर से ट्राई करते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरीके से आपस में ट्विस्ट कर लिया। ऊपर से एक लेयर लेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और फिर इसको नीचे ही छोड़ देंगे और जो पहले वाले हमारे लेयर्स थे उसको फिर से अगेन आपस में ट्विस्ट करेंगे। फिर से एक लेयर लेंगे, इनके बीच में से निकालेंगे और फिर इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर ट्विस्ट कर लेंगे। फिर अगेन दूसरा लेयर लेंगे और इनके बीच में से निकालेंगे और फिर इसको तीसरे को भी ऐसे ही छोड़ देंगे और इनको आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। चौथा लेयर लेंगे, बीच में से निकालेंगे, जो लेयर आप उठा रहे हो वो ऐसे ही छोड़ना है, जो आपने पहले ट्विस्टिंग की थी उसी के अंदर से सारे लेयर्स को निकालना है। फिर से लेयर लेनी है तो ले लीजिए और इसके अंदर से निकालेंगे। ओके, इस तरीके से इनको आपस में ट्विस्ट करके बैक साइड में लेके जाएंगे और थोड़ा सा हेयर का सेक्शन इस तरीके से हटाएंगे और यहाँ पे बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। बड़ा बॉबी क्लिप ले लो या छोटा बॉबी क्लिप ले लो या फिर टिकट क्लिप ले लो, जो भी क्लिप्स है आपके पास बस उसको लेना है और इस हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करना है और सेट करना है और क्लिप को हाइड कर देना है। ओके, तो ये हमारा एक लेयर हो गया। सेकंड लेयर भी बना सकते हो आप ऐसे ही। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सॉरी सॉरी यार, कैमरा ही गिर गया क्योंकि मैं दूसरी जगह रखी हूँ और मेरा जो स्टैंड है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक साइड से आप इस तरीके से खुले छोड़ दीजिए, इस साइड के हेयर को पीछे की तरफ कर लीजिए और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए कुर्ती के लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहो तो यहीं से सेकंड लेयर भी निकाल सकते हो, जो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लेयर को लेंगे और टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे, जो फर्स्ट लेयर था उसको लेंगे, इसके अंदर से ऐसे डालेंगे और फिर नीचे की तरफ छोड़ देंगे। फिर से ट्विस्ट कर लेंगे, सेकेंड लेयर उठाएँगे, फिर से इसके अंदर से डालेंगे और इसको नीचे की तरफ छोड़ देंगे और इन दोनों को आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। थर्ड लेयर उठाएंगे, इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरीके से खींचेंगे। जो ट्विस्टिंग हमने पहले उठाई थी बस उसी को ट्विस्ट करना है और बाकी लेयर्स को नहीं ट्विस्ट करना है उसमें। फोर्थ वाला लेंगे, इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से और इसको ट्विस्ट कर देंगे। फिर अगेन ट्विस्टिंग कर देंगे ऐसे इस तरीके से। वाह, तो सेल्फ बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप एक दो बार ट्राई करोगे तो ईजिली बना लोगे। फिर इसको हम लोग बैक साइड में लेके जा रहे हैं। क्लिप को ओपन कर ले रही हूँ, दोनों लेयर्स को एक साथ ले रही हूँ और इस तरीके से खींच लेंगे। ध्यान से देखिएगा। ओके, अब इसको इस तरीके से हेयर को हटाया है और टाइटली पकड़ के टिक टेक क्लिप से सिक्योर कर देंगे और आपकी जो टिक टेक क्लिप है वो खुल ना जाए, अपनी जगह से हिल ना जाए, इसके लिए आपको डबल टिक टेक क्लिप ऐसे लगा देंगे ताकि आपकी जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और इस तरीके का लुक आपके बालों का आएगा। ये वाले हेयर स्टाइल का तो ये भी काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कुर्ती ड्रेस के लिए एंड वेस्टर्न ड्रेस के लिए। इस साइड से आप इस तरीके से खुले रख दो बालों को, इस साइड के हेयर को बैक में रखिएगा और इस साइड के हेयर को फ्रंट में। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया है ना, बहुत इजी एंड स्टाइलिश था। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो इसको मैं ओपन कर ले रही हूँ।
ये वाला हेयर स्टाइल मुझे लग रहा था कि नहीं बन पाएगा, बट बन गया मुझसे सेल्फ। आप भी ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बता दूँ, बस जो हमने ये लेयर लिया था इसको टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया था और ऐसे ट्विस्ट कर दिया था। जब हमने इसको ट्विस्ट किया तो हमको यही ट्विस्टिंग पकड़ना है एंड सेकेंड लेयर लेके इसके नीचे से इस तरीके से डालेंगे और जो हमने लेयर ऊपर से उठाई उसको वैसे ही छोड़ देना है। जो हमने पहले लिया था उसी को इस तरीके से ट्विस्ट करना है। फिर से सेकेंड लेयर लेंगे और इसके अंदर से इसको खींच लेंगे और फिर जो पहले वाला लेयर था उसको लेंगे और इनको ऐसे ही छोड़ते जाएंगे और इनको ट्विस्ट कर देंगे आपस में। है ना इजी? देखने में लगता है कि नहीं बन पाएगा बट बन जाता है। जैसे मेरे से बन गया तो आप लोगों से भी बन जाएगा बहुत ईजीली। इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। वाह, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल। वो हमने साइड में बताया था और ये मैं बता रही हूँ जिस साइड हमारा हेयर का सेक्शन ज़्यादा है उसके लिए। और कुछ इस तरीके से तो देखिए कितना इजी है और कितना आसानी से हमने यहाँ पे बना लिया है। टिक टेक क्लिप से इसको सिक्योर कर रही हूँ। सेकेंड लेयर लेना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ये जो हमारा ये वाला लेयर है जो पहले हमने निकाला था वही वाला निकालना है अगेन। ओके, एंड इसको ट्विस्ट कर लेंगे। सेकेंड वाला लेंगे इसके नीचे से इस तरीके से घुसाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। फिर थर्ड वाला लेंगे इसके नीचे से घुसाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। फोर्थ वाला लेंगे इसके नीचे से इस तरीके से डालेंगे इसमें लेयर्स में और इसको ट्विस्ट करेंगे। तो आई होप कि अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पहले वाले दूसरे वाले सेकंड हेयर स्टाइल में आपने नहीं कर पाया होगा क्लियर तो अभी पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमने इस तरीके से बना लिया और बैक साइड में लिख जाएंगे। टिक टक क्लिप को ओपन करेंगे, हेयर को हटाएंगे एंड इन लेयर्स को बीच में रखेंगे और दैट्स इट। तो मैंने इधर का हेयर ओपन कर दिया था बट आप चाहो तो उसको ओपन मत कीजिएगा, दोनों साइड से रहेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा वेस्टर्न ड्रेस एंड कुर्तीज वगैरह के लिए। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से अपने बालों को टू का इस तरीके से कॉम कर लेना है एंड नीचे से हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और बालों को रखना है ओपन। चाहो तो लेयर्स निकालो, नहीं चाहो तो मत निकालो। अब इस तरीके से सिंपली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बना लेंगे। ओह सॉरी सॉरी, कहाँ गया? थोड़ी सी लंबी चोटी बना लेनी है। चोटी बना के आपको करना क्या है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। बैक साइड में लेके जाएंगे और टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। ओके, एक साइड में तो आपका इस तरीके से रहेगा, दूसरी साइड भी आपको क्या करना है, ऊपर से हेयर को नहीं लेना है, यहाँ से उठाएंगे हेयर को और फिर से चोटी गूंथ लेंगे। नीचे की तरफ से लेना है और चोटी गूंथना है। थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचेंगे जिससे कि थोड़ी हमारी पतली सी जो चोटी है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे और
और इसको भी उसी वाले क्लिप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिक्योर कर देंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसा पार्ट उठाना है और सिंपली ट्विस्ट करना है। और ये हमारा फोर्थ हेयरस्टाइल हो गया खुले बालों के लिए, छोटे बालों के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। चारों में से कौन सी हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जरूर जाइए और लिंक पर क्लिक करके बहुत मेरी यूनिक इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज देखते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं सेकेंड चैनल पे, इंस्टा आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक है सब पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। बाय बाय।